जीवन में एक मित्र श्री कृष्ण जैसा भी होना चाहिए, जो तुम्हारे लिए युद्ध ना लड़े पर सच्चा मार्गदर्शन दिखाता रहे। और एक दोस्त कर्ण जैसा भी जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की कथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दे दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया। परंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थाका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वो घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वो माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता दूर नहीं कर सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा, प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, यह तो वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वो लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएँ लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है, अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएँ और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा। किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसीलिए हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, तब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तभी आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ ही होते हैं। जय श्री कृष्ण।